नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। झांसी पुलिस में आपसी तालमेल कितना बढ़िया है, इसका उदाहरण कल देखने को मिला जब सीओ सदर मनीष सोनकर ने अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि मनीष सोनकर की पत्नी कोविड पॉजिटिव हैं और उनकी एक 4 साल की बेटी भी है, जिनकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी मनीष सोनकर पर है। ऐसे में मनीष सोनकर ने झांसी के SSP रोहन पी कने से 6 दिन का अवकाश मांगा, लेकिन SSP साहब ने ड्यूटी का हवाला देकर उनकी छुट्टी रद्द कर दी। इसके बाद सोनकर ने उनसे कई बार अनुरोध किया कि आप मुझे अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान करें, पर रोहन पी कने, जिन पर अब हिटलर शाही का आरोप लग रहा है, वो नहीं माने। इसके बाद तंग आकर मनीष सोनकर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया और उसकी एक प्रतिलिपि SSP कार्यालय में भी जमा करा दी। उन्होंने एक लंबी चिट्ठी भी मीडिया के सामने रखी। जब यह मामला बढ़ने लगा तो आनन फानन में उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया और अवकाश प्रदान कर दिया गया। लेकिन अपनी लिखी चिट्ठी में मनीष सोनकर ने रोहन पी कने पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें से एक ये है कि रोहन पी कने खुद भी दफ्तर बहुत कम आते हैं। अब सवाल ये कि क्या वो पुलिस अधिकारी जो दिन रात अपनी सेवाएं जनता के लिए प्रदान करते रहते हैं, उन्हें अगर उनके परिवार में कुछ हो जाए तो छुट्टी लेने का अधिकार भी नहीं है, ये आपको तय करना है। झांसी के SSP रोहन पी कने पर लगे इस तानाशाही और हिटलरशाही के आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।